बनाया तो था रामविलास जी को, रामविलास जी, रामविलास जी को बीजेपी ने बनाया था ना। कहाँ गए वो रामविलास जी? रामविलास जी कहाँ गए? तू सारी उम्र फोटोग्राफर रहेगा। आप तो सर खबर तभी बनेगी ना। खबर बहुत है तेरे पास, तुम अपनी मर्जी से खबरें प्राप्त करते रहो। तो सुना आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूछ रहे हैं कि रामविलास जी कहाँ गए। पीछे से कुलदीप शर्मा कह रहे हैं कि रामविलास को बनाया तो था बीजेपी ने मुख्यमंत्री। बीजेपी ने बनाया था ना। दोनों नेता ब्राह्मण सीएम के सवाल पर रामविलास के नाम से बीजेपी को घेरने में जुटे थे। करनाल पहुंचे पूर्व सीएम हुड्डा और स्थानीय पत्रकारों के बीच मजेदार बातचीत हुई, जो इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगी। मगर उससे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल भूपेंद्र हुड्डा उनकी सरकार बनने पर 4 डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान कर चुके हैं, और सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाने की बात कही थी। मगर अब उनके इस बयान पर हर जगह उनसे जवाब मांगा जा रहा है। खुद उनकी पार्टी की बड़ी नेता और कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा हुड्डा के ऐलान का खंडन करते हुए कह चुकी है कि उनकी पार्टी मैनिफेस्टो में अभी ऐसा कोई वादा शामिल नहीं है। लेकिन हुड्डा तो हुड्डा है, उन्हें भला पार्टी मैनिफेस्टो की क्या चिंता। वो तो खुद को सीएम और 4 अलग अलग वर्गों से डिप्टी सीएम बनाने का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। मगर करनाल में एक पत्रकार ने हुड्डा से तगड़ा सवाल कर लिया और हुड्डा ने भी इसका मजेदार जवाब दिया। अंत में आपको ये पूरी बातचीत सुनाते हैं। मुख्यमंत्री की बात की थी कुमारी शैलजा, करी हमारे मैनिफेस्टो में ये है ही नहीं था। ये चीजें मैनिफेस्टो में डाली जाती है, मैनिफेस्टो में डाली जाती है दलित के लिए क्या प्लॉट लेंगे, क्या करेंगे, ये काम राजनीतिक है। और 19 में मैंने भी उस समय भी हमने कह दिया था, आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस सरकार बनेगी तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। कौन कौन से समाज के सर? एक ब्राह्मण समाज का बनेगा, एक बैकवर्ड समाज का बनेगा, जो जरूरी बनेगा वैसे तो मिनिस्टर तो बनेंगे, मैं उप मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूँ। एक दलित समाज का बनेगा, एक किसी भी समाज का बन सकता है। वो कई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण समाज वालों को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना रहे? उप मुख्यमंत्री वो तो लोग उनको बना देंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, वो तो दूसरे तरह हो जाएगा, कोई बात नहीं। उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री कोई अंतर नहीं। बनाया तो था रामविलास जी को, रामविलास जी, रामविलास जी को बीजेपी ने बनाया था ना। कहाँ गए वो रामविलास जी? रामविलास जी कहाँ गए? बीजेपी वाले साहब क्या रहने के हवाले राजनीति में अगर बात करें, थोड़ा सा क्या रहेगा राजनीति में आने वाले दिनों के अंदर? 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लोग मन बना चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हर वर्ग लोकसभा में भी हम अच्छी सीटें आएंगी, आज तो हमारी एक भी सीट नहीं है, और तो हमारी 6-7-8 सीट भी है। भाई किससे रहने वाली है? बीजेपी। हुड्डा जी आपके भाई भी हैं, राजनीति में भी हैं, बीरेंद्र सिंह, वो कहते हैं कि अगर गठबंधन नहीं टूटा तो मैं छोड़ दूंगा, वो कांग्रेस में दोबारा आते हैं तो आप स्वागत। ऐसा है, मैं अगर मगर का कभी जवाब नहीं देता हूँ। बीरेंद्र सिंह जी के बारे में क्या आपने कहा ना, अगर अगर वो कहते हैं, अगर मगर का जवाब नहीं देता हूँ। चलो अगर आते हैं तो बीजेपी में, फिर अगर कह दिया, फिर अगर कह दिया, फिर अगर कह दिया, अगर का जवाब बीरेंद्र सिंह जी के बारे में बता दो, वो कैसे कह रहे हैं? भाजपा के प्रचारक बोला जाता है, जो स्वयं जैसा होता है ना दूसरे के बारे में कहते हैं। 5 साल तक विपक्षी नेता रहे, राष्ट्रपति के इलेक्शन में किसकी वोट दी इन्होंने, राज्यसभा में किसकी वोट दी इन्होंने, अब के भी राज्यसभा में किसकी वोट दी, ये तो रिकॉर्ड की बात है, किसी के बारे में मेरे कहने की जरूरत नहीं है, लोग सब समझते हैं। साहब संगठन की लिस्ट कब तक आ जाएगी? ये जनता है सब जानती है। आप अपने आप को मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार मानते हैं? प्रबल दावेदार आप भी बन सकते हो दावेदार? नहीं मैं इतना बन जाए कोई बात नहीं, आप बताएं सर, आप अपना बताएं सर, हैं सर आप? तो हर आदमी हर आदमी दावेदार है, जो भी जाए बाकी फैसला विधायक और हाईकमांड कर देंगे। आप तीसरी बार भी बनना चाहते हैं? तू सारी उम्र फोटोग्राफर रहेगा? नहीं सर, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो कलाकार भी, टीवी में भी आता हूँ, मैं तो एक्टर भी हूँ, मैं भी राजनीति करता हूँ। आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तीसरी बार? जो पार्टी फैसला कर रही है वो सब मंजूर होगा। मेरा पांच सीटों की जो चुनाव हो रहे हैं उसको कैसे देखते हैं, कुछ जिम्मेदारी लगी आपकी? राजस्थान या मध्य प्रदेश में कुछ जिम्मेदारी है? राजस्थान जाएंगे। संगठन की लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? जल्दी हो जाएगी, उसको लेकर काम चल रहा है, कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगी। हुड्डा साहब मुख्यमंत्री का बयान आया कल ही कि हुड्डा बंटवारे की राजनीति करते हैं। कौन मुख्यमंत्री के बारे में कहा है कि बंटवारे की राजनीति करते हैं? हम तो प्यार बांटते हैं, बंटवारा करते हैं प्यार का। सर आपके ही कार्यकर्ता नेता बोलते हैं, करनाल के अंदर भी बोला गया कि बाप बेटे की नहीं चलने देंगे। क्या बात किसकी?
आपके ही नेता बोलते हैं, करनाल में भी खूब नारेबाजी करते हैं कि बाप बेटे की नहीं चलने देंगे। अच्छा, क्या कहें प्रभारी के सामने, क्या करें, क्या करें फिर आपका जवाब? प्रजातंत्र है, जो मर्जी कहे। लोकसभा मिलन समारोह कितने हो चुके हैं आपके आगे? क्या मिलन समारोह चल रहे हैं आपके, कितने हो चुके आगे? क्या अब आगे वही जारी करेंगे, शहरों में जाएंगे, बड़े बड़ी जगह जाएंगे। सर इस बार भी आप लोग सोनीपत से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं हाइपोथेटिकल सवाल का जवाब नहीं देता सर, आप हर बार ऐसा कह देते हैं। हर बार ही कहता हूँ जवाब तो दो सर, खबर तभी बनेगी ना। खबर बहुत है तेरे पास, तुम अपनी मर्जी से खबरें बनाते रहो। नहीं नहीं सर, आपके बयान पे।